लर्न well, के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड पर किस तरह बनाया जाता है यानी कि एक्सपेंसिस को नेचर वाइज कैसे आप एनालाइज करते हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ओके इसमें ऑलरेडी वी नो के फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मैथड और नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड ये दो मैथड्स हैं जिस पर कि एनालाइज किया जाता है एक्सपेंसिस को फंक्शन ऑफ एक्सपेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन में हम एम्प्लॉज और डेप्रीसी से मुतल कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे होते हैं फंक्शन वाइज प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम इनको नेचर वाइज देखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में प्रेजेंट किया जाता है देखते हैं जी ये सैंपल कंपनी क्या कहती है हमें सैंपल कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड नोट्स करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की बातें हम पहले डिस्कस कर चुके अब देखिए रेवेन्यू अदर इनकम लाइन आइटम के तौर पे नजर आ गए वेल well, मैं एकदम से चंप कर रहा हूं फाइनेंस एक्सपेंसेस को टैक्स एक्सपेंसेस को टिक करने के लिए ये भी लाइन आइटम के तौर पे उसने कहा था कि हमें अलग से शो करनी है अब देखिएगा बिटवीन आपके पास ये डिप्रीसिएशन का एक्सपेंस आ गया और ये बेनिफिट यानी कि सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस आ गया ये है वो एक्सपेंस जो कि आप नेचर वाइज एक्सपेंस एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आपने इसको कॉल कर दिया लिख दिया आपने अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया फंक्शन ऑफ एक्सपेंस में से हमने डिवाइड किया था वेल well, अब पीछे रह जाता है आपका मेटीरियल एंड सप्लाइज की वी नो वेरी वेल मेटीरियल एंड सप्लाइज आपकी जो हैं वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो सकती हैं आपकी स्टेशनरी वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आपकी शिपिंग सप्लाईज हैं वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल भी हो सकती हैं ओके okay? तो ये मैं लिख ही देता हूं थोड़ा सा आपको यहां पर वेल well, हम इसको भी अलग अलग से नहीं बाइफेट कर रहे यहां पर नहीं पहचान रहे बल्कि हम क्या कर रहे हैं हम इकट्ठा देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल यानी कि मटेरियल एंड सप्लाई कितनी हमारी कंज्यूम हुई है यहाँ पे ठीक है उसकी कंजम्पशन मीन्स यहां पर हमने मेटीरियल सप्लाईज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को एडजस्ट करके उसकी कंजम्पशन प्रेजेंट कर देनी है वेल पीछे हमारे पास दो इन्वेंट्रीज रह जाती हैं उसकी चेंजेस क्लोजिंग यानी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री के तौर पर आप यहां लिखेंगे और अगर अदरवाइज है तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री के तौर पर आप यहां पर लिखेंगे ओके ऑब्वियसली इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है वो एक्सपेंसिस में माइनस होती है या इनकम्स में ऐड करेंगे आप उसको एंड अदर वे अराउंड वेल यू आपने टैक्स एक्सपेंस को भी लाइन आइटम के तौर पे शो कर दिया जो मेन आपने इंफॉर्मेशन नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड के अंदर सीखनी है वो जिनको मैं स्टार कर रहा हूं उन्हें आप फोकस करेंगे ओके okay. आपने चेंज इन इन्वेंट्री रॉ मटेरियल

और आपको जो प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर मिलेगी वो एग्जैक्टली exactly करेक्ट मिलेगी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझने की है आई एस वन एक बात करता है आई एस वन कहता है कि अगर हम फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है फॉलो करें लेकिन नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड को नोट्स में जरूर डिस्कस करें जरूर डिस्क्लोज करें अब उसको एज इज आप सारा का सारा बेशक दोबारा से इनकम स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस ना करें नोट्स में लेकिन ऑनलाइन आइटम्स को जो कि डिप्रीसिएशन टोटल क्या बनती है और टोटल बेनिफिट क्या है उनको जरूर आप नोट्स में डिस्क्लोज कर यानी कि हमें नोट्स में मालूम होना चाहिए यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि इस एंटिटी की टोटल डिप्रिसिएशन क्या है और इस एंटिटी में टोटल इंप्लॉय के एक्सपेंसिस क्या हैं और कंजम्पन जो है मटीरियल की वो भी आपको डिस्क्लोजर में नजर आना चाहिए इन्वेंट्री जो आपकी फिनिश गुड्स की और वर्किंग प्रोसेस है उसकी इंक्रीज डिक्रीज भी आपको डिस्कलोजर्स में नजर आना चाहिए तो आप इकट्ठी भले इनकम स्टेटमेंट ना बनाएं लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन फैलाकर बेशक नोट्स के अंदर जैसे नजर आ रही होती हैं वो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मालूम होना चाहिए कि ये एंटिटी इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स रखती है और आपको मालूम है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रॉपरली डिस्कलोज देन इट इज मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फेयरली प्रेजेंटेड ओके तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड में समझना था